राजीवी बनाना आसान काम नहीं है मतलब साउथ इंडिया में ए, मेरे ख्याल से पहला ह्यूमन यूनिवर्स है्यूमन आया है लेकिन सुपर ह्यूमन यूनिवर्स तो एक सुपर ह्यूमन यूनिवर्स बनाने के लिए बहुत सारा चीज़ चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टर का विशन चाहिए उसके जैसा एक्टर मिलना चाहिए सबसे ऊपर आपको एक प्रोडक्शन हाउस चाहिए तो आपका ऊपर फरासा करे और अपना पैसा उस पर डाले तो आई वुड लाइक टू थैंक मिलियन प्रोडक्शन हाउस फॉर दिस कोई भी पहले एक डायरेक्टर को फर्स्ट प्रोडक्शन है मिलियन uh, हाउस का मिलियन प्रोडक्शन हाउस का तो दे आर मेकिंग अ सुपर ह्यूमन वर्ल्ड इन साउथ इंडियन सिनेमा तो कोई ऐसे सोचता भी नहीं है लेकिन उन लोगों ने बनाया है तो आई वुड लाइक ऑल ऑफ़ यू टू जस्ट क्लैप फॉर देम प्लीज थैंक्स टू मंसूर सर अब्दुल सर रिशवंत सर एवरी वन एंड मैं कल भी बोला था मैं इस मूवी का पार्ट नहीं था पहले मैं एक छोटा सा एक रोल प्ले करने के लिए आया था लेकिन गोविंद जी ने उसको बहुत क्या बोलो इतना बड़ा बनाया कि मुझे इसका एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बना दिया थैंक यू सर एंड थैंक यू फॉर थैंक यू ऑल माई गॉड एस्पेश सत्यराज सर जो क्लाइमैक्स में हम लोगों का फाइट है तो सत्यराज सार के साथ फाइट करना मेरे ख्याल से मैं डर गया था मतलब उनके साथ फाइट करेगा मेरे हाथ उनके ऊपर रहेगा ऐसा डर था मेरे मन में लेकिन वो इतना सपोर्टिव था मुझे बोल दिया कुछ भी करो मुझे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है ये चालीस पचास साल से करते ही जा रहे हैं इनको पता है एंड uh, uh, आप लोगों ने देखा होगा कि स्केल में ये बना है मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बोल रहा हूँ एक भी दिन मतलब शूटिंग स्टार्ट हो के एक भी दिन ये शूटिंग नहीं रुका है इतना सपोर्ट दिया है प्रोडक्शन हाउस ने एक एक इंसिडेंट हुआ था लेकिन उस उस बार भी ये नहीं रुका मतलब आ, एक ट्रस्ट था जिसके नीचे थ्री थाउज थ्री फोर हंड्रेड लोग काम करते हैं इतना बड़ा फ्रेमवर्क है उसका वागमंड में हम शूट कर रहा था <coughs> तो वागमंड केरला में तो इट्स अ प्लेस वेर यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू इवन गो हो शूटिंग ओवर वह तो क्या हुआ ये नीचे गिर गया लेकिन उसके कुछ नहीं हुआ थैंक गॉड किसी को कुछ भी नहीं हुआ

ना <laughs> दिमाग में तो <laughs> <laughs> आप लोगों के एंटरटेन करना बस हाँ <laughs> हाँ जी आप तो कर रहे थैंक यू ऐसा ही you. करते रहो आप थैंक यू ना राजू मीनन जी विल स्पीक